मुंबई के बोरीवली में स्टेशन के पास फेरी वालों से बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। मुंबई से यूपी बिहार के लिए चलेगी 156 समर स्पेशल ट्रेन, ट्रेन में भीड़ से मिलेगी राहत। बीजेपी को झटका, सांसद उमेश पाटिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल, टिकट कटने से थे नाराज। उद्धव ठाकरे ने कहा आने वाला है बड़ा भूकंप। थाने जिले के भिवंडी शहर में दो गुट आपस में भिड़े, दोनों ओर से चली तलवार लाठी डंडे, झगड़े में एक शख्स की मौत, छह घायल। भाजपा की यूज एंड थ्रो नीति और तानाशाही से परेशान होकर उमेश पाटिल हमारे साथ आए, उद्धव ठाकरे का बयान। मुंबई में तीन दिन से ज्यादा रात में बढ़ी उमस, महाराष्ट्र में बढ़े हीट स्ट्रोक के केस। शादी की शॉपिंग करने गए परिवार को बस ने कुचला, दूल्हा दुल्हन बहन और भांजी की मौत, बीड़ में बड़ा हादसा। महाराष्ट्र में बांध का जलस्तर 37% तक घटा, जल संकट का बढ़ता खतरा। महाराष्ट्र में शरद पवार को झटका, बीजेपी में लौट सकते हैं फडणवीस के कट्टर प्रतिद्वंद्वी एकनाथ खड़से। पानी के टैंकर ने स्कूटर को मारी टक्कर, दंपत्ति कई मीटर रोड पर रहे घसीटते, महिला की हुई मौत, विरार में भीषण हादसा। चुनाव में एक्शन मोड पर पुलिस, कल्याण डोंबिवली में 773 लोगों से रिवॉल्वर किए गए जब्त। आईसीयू में चूहे के काटने से मरीज की मौत, परिजनों का अस्पताल पर गंभीर आरोप, पुणे में ससून हॉस्पिटल की घटना। कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में संजय निरुपम, गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं ऐलान। लोकसभा चुनाव के कारण प्रभावित हो रहा है मुंबई का विकास कार्य, मानसून में बढ़ेगी लोगों की समस्या। छत्रपति संभाजी नगर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दम घुटने से 7 लोगों की मौत। पासपोर्ट जब्त और लुकआउट नोटिस जारी, अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मक्का मदीना जाएगा मुंबई का शख्स। जालसाजों ने खुद को बताया कुरियर फर्म, सरकारी एजेंसियों का अधिकारी, महिला से ठगे 80 लाख रुपए। मैं महाराष्ट्र के बाहर उम्मीदवार खड़ा करूंगा और जीतूंगा, रामदास अठावले का दावा। सांगली में तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। मुंबई में मार्च में 13,000 से अधिक घर बिके, सरकार खजाने में 1,066 करोड़ रुपए का मुनाफा।